और भाई सांप बता रहे हैं कोबरा और सांप बिल्कुल सामने है। और भाई पहुंचे हैं करनाल और भाई एक जानकारी भाइया ने दे दी और फिर फटाफट सांप पकड़ लिया। भाई पकड़ा जी पकड़ा, रुक जो मेरी उरे ते आवाज आवे मने आवे, ये वीडियो न्यू है को नहीं बना दे जानकारी खेत्र मनावा। भाई जानकारी है दोस्तों कि बरसात का सीजन है, जमीन पे नहीं सोना भाई। इफ जो बेड पर सोते होंगे, जो चारपाई पर सोते होंगे तो उन्हें तो यूं लगता होगा अगर भाई कौन सोए जमीन पे, लेकिन थोड़े दाएं बाएं नजर मारियो पता चल लगा भाई जमीन पे भी लोग सोए। सांवली में एक छोरे का सांप काट गया, 11 साल का बच्चा था तो नीचे सो गए गद्दे बिछा कर, और करेंट सांप है कॉमन करेंट, फिर कल लग रहा कदे फिर कोई न्यू सोचा भाई डरावा है, डरांदा नहीं भाई, रोज के मामले है। मेरी कॉपी चेक कर लियो, रिकॉर्ड चेक कर लियो, रोज 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 तक सोनीपत सारी लिखू मैं, कुरुक्षेत्र अम्बाला जड़े के भी फोन आ जाए अगर भाई सांप काट गया सोए थे रोज की रोज। तो इस करके भाई जो भी सोए ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ईंट भट्ठों में लोग है ना, जो मजदूर है बेचारे वो नीचे सो जाए तो नीचे नहीं सोना भाई। अरीब सांप ने पकड़ लिया और यू भाई खड़ा के ना मजी अपना, आपने फोन करा था ना, तो संजीव भाई ने फोन करा था और पूछा इस तरह भाई कितना बड़ा सांप है, इन्हू बोला जी 2 फुट का है। फिर माँ कितना बड़ा, इन्हू बोला इतना बड़ा। माँ भी तो फिर ज्यादा बड़ा हो गया। फिर बोला 3 का होगा। फिर माँ ना भाई कमी रहेगी, इन्हू बता दो कितना बड़ा है। ये 5 हो गया भाई, 2 पे था 5 पे पहुंच गया भाई, कोई बात नहीं सांप ही पकड़ लिया। अच्छा नहीं बताओ हमारी सर्विस किस है, ढीले तो नहीं देख रखी आपकी वीडियो पहले हमने देख रखी है और आज हमारी स्पीड भी देख ली बहुत ज्यादा। हाँ फिर मैं न्यू चलना जी, जब चलना हाँ ये बात तो नुको थी भाई पहला सांप ना पकड़ लियो भाई, सांप पे पकड़ा जी फिर कुछ जानकारी भी तो होनी चाहिए ना, लोग टेम कैट का वीडियो देखा ना, फायदा तो होना चाहिए किसी चीज का। और भाई फोन लग गए बाजन, आप है ना जी थोड़ी देर में फोन कर रही हो, मैं सांप पकड़ लग रहा। ठीक है जी। हाँ मैं फेसबुक पर लाइव हूँ इस टाइम। ये फोन ठाने भी जरूरी है, माँ फोन ठाने भी जरूरी है कि अब तक किसी का सांप काट जाए, कोई सांप का फोटो भेजा पूछा कैसा सांप है। नजर रखिए उस साइड को भी, उस साइड को भी, उस साइड को भी। कहीं इसमें तो नहीं चला जाए, कदे फिर बोर्ड कटो। हाँ इसके अंदर है, इसके अंदर है, इस वाली अंदर है इसको, अंदर कुछ। हाँ बड़ा सांप है भाई, 2 फुट का तो कोई नहीं, तो बहुत मोटा सांप है, 6-7 फुट का सांप है भाई, बड़ा सांप है। और उन भाइयों ने ले बचियो बचियो, और भाई सारे भाई बाट में है, दूर तक फोन तान रहे, देखिए भाई कट आई लियावा। अच्छा सब आप अपने में रिकॉर्ड करेंगे, कर ली तो फेमस करेंगे तार पे। अच्छा कोई नहीं, ये रहा। अच्छा बाहर से आया का आपने इसमें देखा था यू? अच्छा बाहर से अंदर आते देखा। तुम पिछो लो तुम सारे के वीडियो में चक्कर में। अच्छा कि मेरे एक बात बताओ भैयो, ये कौन सांप है, कौन सांप है ये, कौन सा नहीं पता, अभी बताते हैं आपको, अभी बाहर आ जाएगा जी। हाँ ये तो काफी बड़ा है, इधर को आ रहा ये लो जी। ये तो नाम भी नहीं पता है। और नहीं 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 ओ तेरे की कंपनी तो अभी बताते हैं जी। ओए होए कंपनी का, एक मिनट यार
भाई आप इधर आओ जी, एक बार आओ, जानकारी हो जाए। सुनो तो सुनो, मेरी बात मानो, मैं पीछे ले लेता हूँ। इधर आओ, आगे आओ, आगे आओ। अरे वो दूरी है, दूरी आगे आओ। आप कैमरे के आगे आ जाओ, कैमरे के आगे। अब बताओ, अगर ये काट ले तो आगे चल रहे मोनू, आगे चल। अगर काट ले तो क्या होगा आदमी का? ये 10 मिनट का टाइम नहीं देगा, ये 10 मिनट का टाइम नहीं देगा। पक्का 10 मिनट। आपको तो देखा, इसी हिसाब से काटो, इंसान भी मरे हैं। अरे नहीं नहीं, आपको आपको जानकारी, देखो मेरी टांगों में लिपटा हुआ है, खराब सांप है ये। हाँ। ये खराब नहीं है, खराब जी। ये किसान का मित्र सांप है, ये कोबरा नहीं है, ये है घोड़ा पिछाड़। हाँ घोड़ा पिछाड़ बोलते हैं इसको। हाँ घोड़ा पिछाड़ बोलते हैं ना, फिर इससे वो काले सांप से मरी होगी आपकी भैंस। भाई मैं सांप पकड़ने लग रहा, 2 मिनट में बात कर लिया, 5 मिनट में, 5 मिनट में मैं सांप पकड़ने लग रहा। हाँ फेसबुक पे लाई हूँ इस टाइम। लो जी, इससे कुछ नहीं होता, बस अब ये शांत हो जाएगा। जहरीला नहीं है वो, तो बेचारी वैसे डरी हुई है। नहीं, हम तो ये सोच रहे हैं जैसे इधर का पीछे का एरिया थोड़ा सा जंगल है ना। अब देखो, अब धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ये शाम को तो बैठ जाता है एक जगह, अब आप है ना, अगर सुबह भी बुलाते तो यहीं बैठा मिलता, लेकिन जैसे उजाला होता है तो ये चल पड़ता है। दिन में चलता है, एक्टिविटी दिन में होती है, और रात को निकलेंगे कोबरा और कॉमन क्रेट, रात को वो सांप निकलते हैं। अब ये लपेटा लगा लेता है ऐसे, अभी ऐसे थोड़ा सा घुमाएगा और यहाँ से पूंछ से ही गांठ लगा लेगा, यहीं बैठ जाएगा। इसमें नहीं छुटवाएंगे तो ये लपेटा लगाएगा। ये देखो इस पूंछ से ये लपेटा लगा लेता है। सर वो बोल रहे हैं कि काट तो नहीं खाएगा, क्या टेस्ट कराओ उस पे एक बार। ना उनको काट रहा नहीं है ना। अरे जहरीला ही नहीं, अब धीरे धीरे शांत हो जाएगा ना। बोली आइटम है, बुखार जो तुम बनाते हो वही है। बोली आइटम है ये, ब्रिस्क है ये, रिक्शा है। ला भाई कपड़ा लिया। धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत जी। तो हमें तो नींद नहीं आ रही थी, नींद नहीं आती थी। अच्छा, चलो अब तो पकड़ा गया। आपने सबसे बढ़िया काम करा, आपकी टीम ने तो पता नहीं, नाम भी नहीं पता हमें क्या आपका क्या होता है। बस बहुत अच्छा काम, इसको धामन बोलते हैं। फेसबुक पे वीडियो देखते हैं हम, बहुत अच्छी है। जी 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 हर चीज जी, हमने इंतजार नहीं कराया, देख लो। नहीं बहुत अच्छा, आ जा भाई आ जा। इसको देख के नहीं सो पाओगे रात को? सो जाएंगे, सपने में ना आ जाए। वो तो बोल रही है सपने में ना आ जाए बस रात को। नहीं नहीं, वो जो डरते हैं, दिमाग पे असर डालते हैं, उसको दिखते हैं सपने में। ऐसे सांप नहीं दिखते, ऐसे सपने में दिखते तो मेरे को रोज दिखते। आपको तो सर्दी अलग ही है, आपको तो बहुत ही वो है। वैरायटी है, स्पेसीज ब्रीड, कौन सी ब्रीड है हमें नहीं पता जी, ये तो कौन सी प्रजाति है। मेरे को तो सपने में भी दिख गया ना, मैं वैसे ही डर जाऊंगा। ये घोड़ा पिछाड़ी है, कई बार है ना, ये पीले रंग में नहीं है, ये तेलिया रंग में है, हल्का मटमैला। अंधेरे में काट लेना, अंधेरे में जैसे जाते दिखे तो सोचेंगे कोबरा सांप है। थेला तो पकड़ सकते हैं। हाँ थेला पकड़ लो, क्यों नहीं पकड़ लो, खोलना मत। लो जी वाह, आज पहली बार सांप पकड़ा मैंने। मैं ऐसे कोई पकड़ दिया हाथ में पकड़ लिया भाई, डर लगा बहुत ज्यादा मुझे तो। चलो सीखने के बाद ही पकड़ना चाहिए जी। अजगर डले गर्दन में तो सीधा डाल, अजगर भी बहुत पकड़े हमने, ठीक है। दोस्तों पहुंचे थे करनाल, और भाई सारे भाई डर रहे थे, और अब रात को भी चलेगा सिलाई का काम? नहीं, आज तो बंद होगा हमारा। अच्छा बंद हो गया, जब भी वीडियो देखते हैं ना बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा काम करते जी जी। अब तो टेंशन बहुत ज्यादा, अब तो टेंशन फ्री हो गए ना, अभी आपको देखते खुश हुआ गया। देखो वीडियो बनाते हैं ना, उसका यही मकसद है वीडियो का, भाई सांप भी बचे और लोग भी बचे। हाँ जी ये बात सही है। अब लोग, आप लोगों को पता चल गया जहरीला नहीं था, है ना।
और लेकिन सर वैसे भी पता ही नहीं है जी। सुबह फिर मेरे पास इतने कॉल आएंगे भाई, रात को सो रहे थे, सांप ने काट लिया, रात को सो रहे थे। मैं बताऊं अपना, एक मिनट भैया मैं बताऊं कि जो गवर्नमेंट के पास आंकड़े हैं ना, वो ये मानना है भाई हर साल सांप के काटे थे 50,000 आदमी मरा है एक साल में, और वो मरने वालों की संख्या कब से कब तक है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि एक ही दिन में 400-500 आदमी एक दिन में अलग अलग स्टेट में। मेरे पास यूपी का बहुत फोन आवा, राजस्थान के आवा, भाई बंदा रात को सो रहा था काट गया, हरियाणा के तो आवाया, मैं बाहर के भी आवा, हरियाणा के तो मैं गांव का नाम ही बता दूं तो बहुत, अभी भी जो रात को सोएंगे ना लोग उनको काटेगा कॉमन क्रेट। एक तो जहां भी रहो ना घर में, किसी का भी घर हो, बेडरूम में कोई सुराख ना हो, फर्श में, दीवार में कोई सुराख ना हो, और बेडरूम में फालतू का सामान ना हो। सबके घर में तो नहीं होता, लेकिन जहां हम सांप पकड़ने जाओ ना, पुरानी किताबें, पुराने जूते, पुराने झाड़ू, हाँ वेस्ट पर, सफाई हो बेडरूम में, सोफे भी ना रखे हो बेडरूम में, तो सोफे कई बार नीचे से कट जाए ना, फट जाए, उसमें घुस जाए पता लगता नहीं, तो कुर्सी हो बस, सोफा नहीं, पीछे से हमला कर देना, हाँ तो काट लिया। और बेडरूम में तो इतनी सफाई हो कि बहुत ज्यादा सामान कम से कम हो, पुराने चप्पल भाई, पुराने डिब्बे, खाली डिब्बे कुछ भी ना हो, खाली बोतलों का ढेर पावा लोगों के घर में, हम जावा सबके घर में तो नहीं पाता, लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में पावा, हाँ तो पुराना सामान तो होना ही चाहिए, कोई बाल्टी टूट गई वो कोने में रख दी, कोई खाली बोतल होगी वो कोने में रख दी, तो कुछ चीज बच गई, पैसे की आई थी 4-5 चीज खरीद लाई, 4 लगी एक बची रहेगी वो भी कोने में रख दी, तो जो बच गया सामान उल्टा दे दो, चेक बाड़ी वाले को दे दो, पर घर में ना रखो, जो सामान लग गया ठीक है काम आने का, जो बच गया वो कबाड़ा है। तो ठीक है भाई दोस्तों, फिर जानकारी देंगे भाइयों ने, धन्यवाद जी आपका बहुत, और भाई चला क्योंकि कॉल बहुत आ रहे हैं भाई, ठीक है दोस्तों, जय जवान जय किसान।